राजन की तबीयत भी ठीक है। वो साहब है हिम्मत मदद मदद खुदा। हाँ। हिम्मत नहीं लग रही तो इसलिए जाना तो पड़ेगा जा, क्योंकि बड़े दिन हो गए। और यहाँ पे फ्लाईओवर की मुझे समझ नहीं आई यार कि ये फ्लाईओवर एक उधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक वो सामने निकाल दिया। ये या तो इसको गोल्ड लेवल कुछ, ये भी ना फ्लाईओवर, ये क्या है जो आगे वाला है, फिश पॉन्ड कुछ करके वो बन रहा था, फिश एक्वेरियम या कुछ बन रहा है यार ये इधर नाउ। और भाई बाहर तो निकला इतनी ठंड है ना, मेरे को एक तो फीवर है ऊपर से ठंड, और इनको देखो जैसे कुकड़ बना होता ना, इसी रात को गाइस ऐसी लगती है, मतलब एकदम चमक दमक होती है इसकी, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और ऊपर से 26 जनवरी फिर आ जाएगी, तो फिर ये चीजें दिखनी दिखनी है। और ये लहा फ्लैग हवा में, यार बाहर ठंड गया यार, कितनी ठंड थी, उसमें ना पॉपकॉर्न बनाने लगे, पॉपकॉर्न बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज की हमारे दिन की शुरुआत हो रही है कुछ किचन से, क्योंकि सुबह सुबह ही आज इन्होंने खाने पे लगवा दिया है कि खाना बनाना है। ये फुलके बना रहे, मैंने आलू छील दिए हैं अभी, तो अभी हाथ हाथ साफ किए, तो अभी खाना करने लगा हूँ पैक। तो फिर पैक करने के बाद नहाए जाते हैं, तो मैं नहा के फिर रेडी हो जाता हूँ, फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा मुझे। और ये तो नहा के रेडी हो चुके हैं, बस अब इनका वो कहते हैं ना हार श्रृंगार जो होता है वो करना बाकी है, तो फिर ऑफिस के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अभी का टाइम हो चुका है 10:15, क्योंकि ये बनाते बनाते टाइम लगेगा, तो करते करते हम 11:30 तो बजने हैं, क्योंकि 11:30 से पहले कुछ नहीं होने वाला। और मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बाद में टाइम मिलता नहीं है, अभी जो टाइम मिला है उसमें कर देते, क्योंकि मैंने आलू छील दिए, अभी इनको काटना है, फिर प्याज काटना है, और क्या काटना है, टमाटर काटना है, बादल भी है। और बाहर कह रहे हैं बादल भी हैं, यहाँ से दिखते हैं, धूप ही नहीं है आज। तो गाइस आज तो वार्मर डालना बनता है, वार्मर तो डाल के जाएंगे, क्योंकि आज वैसी सेहत तो ठीक नहीं है। तो चलो दिन की करते हैं शुरुआत माता रानी जी का नाम लेके, जय माता दी। तो जैसे ये काम खत्म करते हैं उसके बाद नहाते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे आराम से ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। यस तो गाइज अभी हो गए रेडी दोनों, मैं भी हो गया, ये भी हो गए, और अभी क्या सीन है कि अभी निकल रहे हैं फटाफट, क्योंकि 11:15 होने वाले हैं और टाइम लेट ना हो जाए, क्योंकि अब 12 बजे पंच करना ही करना होता है, और अब पंच का थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया हुआ है। तो अपनी ब्रेकफास्ट हो गई रेडी, और ये रही ब्रेकफास्ट मेरी, और इनकी शायद ये अभी डाली नहीं है मुझे लग रहा। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में, क्योंकि लेट ना हो जाए इसके चक्कर में, जल्दी 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 कुछ करना पड़ेगा। और हेक्सामेट को हम छोड़ेंगे नहीं, हेक्सामेट को साथ साथ रखना है और दौड़ना है, मतलब कि हमने भी दौड़ना है और हेक्सामेट को जड़ाना है। तो चलो जल्दी चलते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। इन्होंने तो आपको विश कर लिया होगा, मैंने सोचा मैंने नहीं किया तो मैं भी आपको याद कर लूं। और अभी हम ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, और एक तो काम के साथ साथ जल्दबाजी होती है कि कब टाइम, जल्दबाजी इसलिए होती है कि टाइम आजकल 12 बजे प्रॉपर पंच करना ही होता हर कंडीशन में, क्योंकि अगर 12 बजे आप पंच नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, इसी का मैसेज आता है मेल पे कि यू आर लेट इन 15 मिनट्स डिडक्ट यूर सैलरी, ठीक है, तो वो मैसेज आ जाएगा आपको। तो आप 12 बजे मीन्स 12 बजे ही पंच लगेगा, और आज इनकी तबीयत भी ठीक है। वो साहब है हिम्मत मदद मदद खुदा। हाँ। हिम्मत नहीं लग रही तो इसलिए जाना तो पड़ेगा जा, क्योंकि बड़े दिन हो गए, छुट्टियां बहुत मार ली थी, इसलिए अब से ठीक हो या खराब हो अब ऑफिस से जाना ही है। नहीं उतनी भी खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि मैंने टाइम रहते मेडिसिन ले ली थी, उस वजह से थोड़ा सा हिम्मत है, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि वीकनेस है बॉडी में, शरीर टूट रहा हो, तो वैसी वाली फीलिंग्स आ रही है। अभी फीवर है, आपको भी फीवर था लेकिन मेडिसिन नहीं, इतना नहीं था, सोए हुए क्या पता चलता है कि कितना था, ये तो पता अभी चल रहा है कि भाई था तो कभी वीकनेस है, बाकी देखते हैं दिन निकलना चाहिए, अच्छा निकलना चाहिए, बस अच्छा ही निकलेगा। आज हम जा रहे हैं, आज हमने रूट थोड़ा सा चेंज किया, आज हम भगवती नगर से जा रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर का काम लगा पड़ा है, जब ये फ्लाईओवर का काम कंप्लीट होगा तो हम हार्डली 1 या 2 मिनट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एशिया होटल के पास, गांधीनगर ही हुआ,
गांधीनगर समझ लो कि ऐसे यहाँ से अभी 5 से 7 मिनट ज्यादा भी लग जाते हैं अगर ट्रैफिक हो तो 10 मिनट भी लग जाते हैं, नहीं तो ऐसे 2 या 3 मिनट लगेंगे। ये फ्लाईओवर बन रहा है पूरा, इस फ्लाईओवर के ऊपर से 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। और आज ना कुछ बादल भी हैं आज, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज अपन ने ना मतलब ठंड थी फ्रंट साइड से, तो आज ठंड थी इसलिए मैंने ना सुबह उठते ही पहले वार्मर शर्ट निकाला, क्योंकि गाइस जहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है वहाँ पे है ग्राउंड सेक्शन, तो वो भी लोअर बेसमेंट, तो उसमें ठंड रहती है, बहुत ठंड रहती है वहाँ पे। तो अब एक दिन तो हीटर लगाया, शायद उसकी वजह से बीमार हुआ। इसकी वजह से ना आप डेली हीटर के पास बैठते हो वहाँ पे जाके, तो यार वहाँ पे ठंड इतनी होती है क्या करें हम भी। तो फिर इसलिए आज मैंने वार्मर निकाला, वार्मर पैक हो गया हूँ, मतलब अपर लोअर और दोनों डाल लिए, और ऐसे लग रहा है कि बॉडी में आज थोड़ी सी हीट है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर है, ऊपर से ठंड भी लग रही थी क्योंकि फीवर है उस वजह से। ठंड भी आज देखो ना, मौसम भी देखो ना। मौसम देखो, और यहाँ पे फ्लाईओवर की मुझे समझ नहीं आई यार कि ये फ्लाईओवर एक उधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक वो सामने निकाल दिया, ये या तो इसको गोल डाइवर्शन में बना रहे हैं, इसके ऊपर गोल बनाएंगे या कुछ करेंगे तभी ये हो रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा आगे, ठंड किस चीज का लगा है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि वन साइड ये बीच में है, ये नहीं वो तो बन रहा है, ये क्या बनाया बीच में, ये कौन सी मूर्ति अभी कोई स्टैचू लगा है कोई, ये मुझे लग रहा है हनुमान जी का है, नहीं हनुमान जी का नहीं है, ये किसी और चीज का लगा है पता नहीं, बड़ी सही चीज लगाई है, काफी डेवलपमेंट हो रही है हमारी जान के में भी बहुत ज्यादा अच्छी बातें होनी चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं भगवती नगर पुल पे माता रंग जी को करते हैं, और ये भी ना फ्लाई, ये क्या है जो आगे वाला है, फिश पॉन्ड कुछ करके वो बनना था, फिश एक्वेरियम या कुछ बन रहा है यार ये इधर, ये सामने हाँ पूरा वही बन रहा है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पिछले पता है कितने सालों से लगा पड़ा है, कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी, कब कंप्लीट होता है कुछ नहीं कह सकते। चलो गाइस मिलते हैं अभी ऑफिस में, मेरे से बोला नहीं जा रहा उतना ज्यादा, देखते हैं आज ऑफिस में क्या दिन रहता है क्या नहीं रहता। उतरे ना जाए अंदर ऑफिस में, अपने कर लिया पंच, चलो जी अपने पंच भी कर लिया अपना आज, और ये देखो जो बच्चे बेचारे खेल रहे हैं, अच्छी बात है, धूप भी है थोड़ी थोड़ी सी, यही तो दिन है खेलने कूदने के। तो गाइज अभी ये हुआ ऑफ, अभी बजे 9, और भाई बाहर तो निकला हूँ, इतनी ठंड है ना मेरे को, एक तो फीवर है ऊपर से ठंड, और इनको देखो जैसे कुकड़ बना होता ना वैसे बन गए, क्योंकि ठंड की वजह से, ठंड इतनी है यार, हवा चल रही है इतनी ठंडी ठंडी, पूछो नहीं कि क्या हवा चल रही है, अभी आधे बंदे अंदर हैं, आधे बंदे निकल रहे हैं, हम तो निकल चुके हैं यार, बाहर ठंड गया यार, कितनी ठंड थी, इंशा आ रही है, इंशा भी आ रही है, बाहर गर्मी है यार, बाहर गर्मी है, हवा चल रही है, बाय बाय। चलो गाइस करते हैं बाय बाय और निकलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट वाला है, आज हीटर निकाल के ही रहना ठीक है, यहाँ से देखा कह रहे हैं हीटर चाहिए इनको, हीटर कोई नहीं आज निकाल देंगे जी। तो चलो गाइस निकलते हैं अभी ना, सौरभ ने भी आना है, उसके लिए भी कुछ सामान लेना है हमने रास्ते से जाते हुए, क्या लेना है, केक, और केक ही लेना है ना, क्योंकि इसके 100K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो चलते हैं निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में जहाँ से मैं केक लूंगा वहां पे। तो गाइस अभी हम पहुंचे पनामा चौक, एक साथ जो हम चलते हैं भाव प्लाजा कॉफी पीने, बड़ी देर होगी कॉफी, हॉट चॉकलेट और सैंडविच, कॉफी पीने पति कब चलेंगे, वो चलेंगे हम जिस दिन हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, झूठ नहीं बोलना मेरे साथ, झूठ क्या इसमें सच है, तो गाइस इनको समझ मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे पे विश्वास ही नहीं है भाई, देख लो ये देख लो लाइट में देख लो, अंधेरे में दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने लाइट ऑन की, इनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, तो विश्वास तब होगा जब मैं पीने जाऊंगी, कोई बात नहीं पिला देंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो,
कॉफी पिलानी है भाई, पिला देंगे पिला देंगे। जिस दिन छुट्टी होगी, कब छुट्टी मिलती है तब इनको पिलाने लेके जाएंगे जरूर। अब हम क्यों जाएंगे छुट्टियों में, अभी देखते हैं कि आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है क्या है। सो गाइस अभी हमें कोई छुट्टी नहीं, कोई चार वगैरह छुट्टी नहीं है। ऐसे झूठ था मतलब, एक बंदे का मन देखो, खुशी देखो इनको कि चार छुट्टियां है मतलब। तो अभी हम पुनीत भाई से मिलने आए थे, मिल लिया उनसे, लेकिन बाहर उतरते जैसे ना ऐसे इतने पटाखे फटे, आज इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, कल से ज्यादा आज सर्दी लग रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। मिल तो लिया 10 मिनट, तो अभी हम निकल रहे सीधे घर की तरफ, घर जाएंगे सीधे, घर जाके काम करेंगे और क्या कर सकते हैं। यस, और जम्मू की सिटी का लुत्फ देखिए, रात को लाइटिंग वगैरह है मतलब कि एकदम मस्त है। गाइस अभी पहुंचे हैं तवी पुल पे, और मेरा मिरर साफ नहीं है, इस वजह से आपको शायद वीडियो साफ ना दिखे। ये रहा माता रानी जी का दरबार, और ये रही जम्मू सिटी, मतलब यहाँ पे ना अभी देख सकते हो लाइट, और ये है बाहर का कुछ नज़ारा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। जम्मू सिटी रात को कैसी लगती है? अच्छी लगती है। जम्मू सिटी रात को गाइस ऐसी लगती है मतलब एकदम चमक दमक होती है इसकी, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और ऊपर से 26 जनवरी फिर आ जाएगी, तो फिर ये चीजें दिखनी दिखनी है। और ये लहा फ्लैग हवा में लहराता हुआ, और जम्मू में ना इस समय रात को ठंड इतनी पड़ रही है ना कि हद से ज्यादा वाली ठंड पड़, क्योंकि दिसंबर अब एंडिंग पे है तो ठंड तो होगी होगी। और हम डेली यहाँ से आके निकलते हैं जीवल से, क्योंकि हम इस रोड पे बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारा रूट होता है ये शॉर्टकट वाला, सुबह यहीं से अंदर चले जाना और यहाँ से सामने से अंदर चले जाना और यहीं से वापस आना, क्योंकि ये वाला हमें शॉर्ट पड़ता है। तो अभी हमने गांधीनगर जाना था कुछ काम से गुनीत भैया के पास, तो वो भी गए, और ये रहा जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था स्टेडियम, तो स्टेडियम में आज कोई मैच नहीं है इसलिए वहाँ पे चमक दमक नहीं है। और ये चीज़ बड़ी मुझे मस्त लगी है यार बस स्टैंड में, ये वाली खासकर बहुत सही चीज़। तो चलो पहुँचते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपको घर पे पहुँच के, क्या रहता है क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, अब घर में जाके बाहर चलना है तो वो भी दिखाएंगे आपको ज़रूर। बने रहिए व्लॉग पे घर तक। क्या बनाने का फायदा? तो गाइस अभी पहुंच गए हैं घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद ना अभी मैंने फ्रायर लिया और उसमें ना पॉपकॉर्न बनाने लगे हैं। पॉपकॉर्न बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो अभी इसको लगाता हूं, तो जैसे ये स्टार्ट होगा इसका ये पोर्शन होता है इसमें डाल देंगे, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। ये फर्स्ट टाइम बनाने लगा हूं ये, इसमें अब ये ऐसे ही बनेंगे, ये कैसे बनेंगे मुझे भी नहीं आइडिया, तो फर्स्ट टाइम इसमें देखते हैं कैसे बनते हैं। तो तब तक खाना भी बन रहा है, खाना भी बन जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं खाना भी खाते हैं और ये भी हो जाएगा दोनों। तो अभी का टाइम हुआ है 10:30 होने वाले हैं, तो दोनों काम तो एक साथ हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, इसको फटाफट डालते हैं इसमें और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस अभी हो गए रेडी, और ये बने हैं कुछ ऐसे, मतलब कुछ खास नहीं बने इसमें, मुझे लग रहा है हमें ना उसमें बनाने चाहिए क्या बोलते हैं जैसे फ्राई पैन होता है पैन में बनाने चाहिए, इसमें ये सही नहीं बने देख सकते हो, पर खा के देखते हैं, पर टेस्ट अच्छा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सही चीज़ बननी चाहिए वो नहीं बनी है, क्योंकि इसमें ये जल गए हैं शायद मुझे लग रहा है। तो चलो गाइस देखते हैं, ट्राई करते रहेंगे एक नई से नई चीज़। और खाना बन गया था, खाना खा लिया उसके बाद ये फिर देखें, क्योंकि इसको 20 मिनट्स लेता है ये बनाने में, लेकिन पैन में मुझे लगता है हार्डली 5 मिनट लेता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लिया इसने, 20 मिनट्स में हमारा खाना भी हो गया और बर्तन भी हो गए, उसके बाद हम ये खा रहे हैं। तो चलो अभी के लिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल देखते हैं नई चीज़ के साथ नया दिन शुरू करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।